देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज नेशनल और मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। जिस तरह से कर्नाटक में बीते दिनों एक आपने जरूर सुना होगा कि संतोष पाटिल, जी हाँ ठेकेदार संतोष पाटिल की मृत्यु का मामला सामने आया था और उसमें ये नाम सामने आया था जो कि सीधे राजनीति में हलचल पैदा करती। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कर्नाटक के मंत्री ईश्वरप्पा की, जिनका नाम इस सुसाइड में मामले में सामने आया था। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कर्नाटक की राजनीति हलचल वैसे ही बहुत तेज रहती है और अब एक बार फिर सियासत इसलिए गर्मा गई है क्योंकि कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, यानी कि मुख्यमंत्रियों में से माने जाते हैं जो विशेष मंत्री होते हैं उनमें इनका नाम जरूर सामने आता है। और ईश्वरप्पा ने अब गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये ऐलान किया है कि वह अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। जी हाँ, उन्होंने ये इस्तीफे का ऐलान किया है और उन्होंने ये भी कहा है कि वह कल मुख्यमंत्री को अपना इस्तीफा सौंप देंगे। हालांकि देखने वाली बात होगी कि किस तरह से वह अपना इस्तीफा जो है वो देते हैं या फिर नहीं, क्योंकि पहले तक ये खबर सामने आ रही थी कि ईश्वरप्पा अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन अब उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये ऐलान किया है कि उनके इस्तीफे की बात बिल्कुल पक्की है। लेकिन इससे पहले आपको ये मामला बताते हैं कि आखिर ये ठेकेदार संतोष पाटिल सुसाइड केस कैसे कर्नाटक की राजनीति से जुड़ गया। तो आपको बता दें कि सोमवार को संतोष पाटिल का जो शरीर था, मृत शरीर था, वो पाया गया और साथ ही उनका फोन पाया गया जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कर्नाटक के मंत्री ईश्वरप्पा पर अपनी मौत का उनको जिम्मेदार ठहराया है। जी हाँ, उन्होंने पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी चिट्ठी लिखी थी और उसमें ये कहा था कि ईश्वरप्पा जो है, जो कर्नाटक के मंत्री है, वो मुझसे मेरे काम के बदले में 40 जो फीसदी की कमीशन है वो मांग रहे हैं, जिसके चलते ही उनकी सुसाइड का मामला सामने आया, वो मृत पाए गए, जिसके बाद ईश्वरप्पा पर FIR भी दर्ज की गई थी। और साथ ही अब ये खबर सामने है कि उनके इस्तीफे की चर्चा जो है वो तेज हो गई है। और आपको बता दें कि कर्नाटक में जिस तरह से सरकार जो है गिर गई थी उसके पीछे भी ईश्वरप्पा का ही हाथ रहा था और अब जब उनकी जो मंत्री पद से इस्तीफा है वो गिरता है तो वो किस तरह से कौन बनेगा अगला मंत्री, ये देखने वाली बात होगी। पल पल के अपडेट्स को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज नेशनल। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ नेशनल।